बेजुबान जानवरों के दर्द को समझने में इंसान कभी कभी देर कर देता है और फिर इंसानों के रहम से महरूम ये जंगली जानवर धीरे धीरे विलुप्त होने लगते हैं। लेकिन सूरजपुर जिले में पदस्थ एक आरक्षक इन जंगल की शान माने जाने वाले जानवरों के लिए किसी फरिश्ते की तरह काम कर रहा है, जिसे देखकर आप भी अचरज में पड़ जाएंगे। तो देखिए इंसानियत से लबरेज ये खास खबर। देश भर में मंदिरों के पट बंद होने का असर इंसानों के साथ जंगली जानवर पर भी पड़ रहा है। तस्वीर में दिख रहे ये बंदर भी कोरोना काल के शिकार हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में स्थित उदरगढ़ धाम में ये बंदर कई वर्ष से डेरा जमाए हुए हैं। सामान्य दिनों में यहाँ आने जाने वाले श्रद्धालुओं के द्वारा दिए प्रसाद और भोजन का ये अपना आहार बनाते थे, लेकिन कोरोना काल के दौर में मंदिरों के पट बंद होने के कारण श्रद्धालु नहीं आ रहे और सुनसान पड़े उदरगढ़ धाम में इन बंदरों के सामने भोजन संकट गहरा गया है। आलम ये है कि दिन रात ये बंदर अपने और अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए बिलखते और चिल्लाते रहते थे। ऐसे में उदरगढ़ धाम में स्थित उदरगढ़ पुलिस चौकी में पदस्थ आरक्षक राजेश पटेल इनके लिए फरिश्ता बन गए। इनकी बिलखती दर्द भरी आवाज ने राजेश को झकझोर दिया। फिर आरक्षक राजेश ने बंदरों की भूख मिटाने की ठानी और अपने खर्च पर इनके लिए भोजन की व्यवस्था रोजाना करना शुरू कर दिया और सैकड़ों की तादाद में भूख से बिलखते इन बंदरों के लिए इंसानियत की मिसाल पेश कर दी। जी सर, मैं तो वहाँ चौकी में पदस्थ हूँ, साल भर हो गया मुझे। लेकिन अभी लॉकडाउन के दरमियान जब तीर्थयात्री सब बंद हो गए तो बंदरों को देखा कि बंदर रात रात भर रोते थे सर वहाँ। एकदम वो छोटे छोटे उनके बच्चे हैं, उनको देख करके मुझे दया आया कि ये बंदर कहाँ से भूखे एकदम मर रहे हैं, इनको खाना कैसे व्यवस्था करूँ। फिर उनके लिए खाने पीने का कुछ मुर्रा तरबूज टमाटर वगैरह व्यवस्था करते गया और इसके बाद उसको देखने के बाद फिर और भी लोग कुछ सहयोग कर रहे थे, उसमें कुछ 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 दिए कुछ लोग आया कि जिस समय तेंदू चार सभी कुछ भी नहीं फला है इस बार, इसलिए उनको ज़्यादा परेशानी हो रही है। इसमें तो मैं पहले स्वयं से कर रहा था, फिर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा बोला गया कि मैंने पटेल को बोलो कि खिलाया गया, पैसा यहाँ से भी ले जाएंगे एसपी ऑफिस से। तो एसपी ऑफिस भी मैं गया था, वहाँ से भी मुझे 3000 का सहयोग मिला है और भी बोले हैं कि और भी पैसा लेते जाना मिलेगा सहयोग। तो मैं अपने तरफ से कर रहा हूँ, चाहे पूरे महीने का वेतन भी लग जाएगा मेरा, ऊपर भी मैं बंदरों को खाना खिलाऊंगा क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, बंदर बहुत भूखे मर रहे हैं वहाँ सर। मैंने अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, बंदर अभी रोज़ खाना खा रहे हैं, रोज़ कुछ न कुछ खिला रहा हूँ उनको, तो बहुत अच्छे हो गए हैं। गौरतलब है कि उदरगढ़ जंगलों में धीरे धीरे साल और तेंदू के साथ दूसरे भोजन योग्य पेड़ों की संख्या कम होती जा रही है, जिससे बंदरों को जंगल में पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में बीते 1.5 माह से आरक्षक इन बंदरों को भोजन करा रहा है। वहीं आरक्षक द्वारा बंदरों को खुद के खर्च से भोजन कराने की खबर जब उदरगढ़ धाम ट्रस्ट के सदस्यों तक पहुंची तो वे आरक्षक के इस नेक काम से बेहद प्रभावित हुए और बंदरों के लिए भोजन की व्यवस्था ट्रस्ट के द्वारा कराने की बात कही। आरक्षक द्वारा किया गया कार्य काफ़ी सराहनीय है। आरक्षक द्वारा किए गए कार्य को अन्य लोगों को भी, समाज सेवी संगठन को भी इस कदम को आगे बढ़ाते हुए उनको सहयोग करना चाहिए और एक बहुत अच्छा पहल है उनके द्वारा कि एक शासकीय सेवक रहते हुए उन्होंने यह पुनीत कार्य किया है और मैं ट्रस्टी होने के माध्यम से मुझे भी इस जानकारी मिली है और मैं भी चाहूँगा कि वन्य जीव जो वहाँ पर हैं, बंदर वगैरह हैं जो, उनके लिए भोजन की व्यवस्था की जाए। पहल करनी चाहिए, बिल्कुल पहल करनी चाहिए क्योंकि अभी लॉकडाउन की स्थिति निर्मित है जिले में और श्रद्धालुओं का आना जाना उदरगढ़ ट्रस्ट में अभी बंद है। इसकी वजह से जो वहाँ वन्य जीव उपस्थित हैं उनको खाने पीने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस स्थिति को देखते हुए जो आरक्षक द्वारा कार्य किया जा रहा है काफ़ी सराहनीय है, उस कार्य को आगे बढ़ाते हुए अन्य समाज सेवी संगठनों को भी आगे आना चाहिए और मैं ट्रस्ट के माध्यम से भी आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ट्रस्ट के द्वारा भी इस वहाँ वन्य जीव जो उपस्थित हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था की जाएगी। आज के दौर में जब पुलिस पर तरह तरह के आरोप लग रहे हों, वैसे में राजेश पटेल जैसे आरक्षक पुलिस की छवि को बेहतर बनाने की भूमिका में नजर आते हैं। बहरहाल राजेश का ये काम जहां जंगलों की शान कहे जाने वाले बंदरों के पेट भरने के लिए बेहतरीन है, तो वहीं यही ये काम इंसानियत का बेमिसाल उदाहरण भी है।